अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं पाए गाय के। तो दो पाए लिए हैं मैंने और उसमें डालूंगी गोश्त। दिखाती हूँ मैं, ये मैंने दो पाए लिए हैं। इसको मैंने 15 मिनट में उबालूंगी इसको अच्छी तरह, ताकि इसका जो ये सब चीज़ें हैं ये ऊपर आ जाए। फिर मैं इसको फेंक के अच्छे से वाश धोऊंगी। इसको धोने के बाद फिर मैं इसको बॉयल करूंगी। अभी ये 15 मिनट में इसको पकाऊंगी, ताकि ये झाग जो भी है चिकनाई वगैरह इसकी ऊपर आ जाए। और फिर मैं इसको फेंक दूंगी और धो के फिर दोबारा मैं इसको बॉईल करूंगी। तो ये मैंने दो लिए थे पाए, और इसमें जाएगा गोश्त जाएगा ये 1 kg है। इसको मैं अलग से बॉईल करके डालूंगी। और ये पाए हैं, इसमें जाएगा ऑयल डालूंगी 1 कप डालूंगी, क्योंकि पाए में ऑलरेडी ऑयल होता है। और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 1.5 टेबल स्पून, धनिया 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1.5 टीस्पून, दही जाएगा 1 कप, नमक हसब जायका डालिएगा 1 से 1.5 डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला जाएगा पिसा हुआ, पिसा गरम मसाला जाएगा 1/2 टेबल स्पून। और ये है तेज पात ली मैंने 2, दालचीनी और काला जीरा, ये मैंने अलग रखा हुआ है। इसमें जाएगी प्याज, ये मैं पीसूंगी। अदरक लहसुन भी मुझे पीसना है, पीस के इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून। और ये साबित मसाला है सारा, इसमें जाएगा इलायची है ये 7 या 9 लिए मैंने, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, बड़ी इलायची 5, लौंग लिए मैंने 1 टीस्पून, जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, अजवाइन है, अजवाइन बिल्कुल मैंने थोड़ी सी ली है 1/2 टीस्पून, ये है जायफल जावित्री है, ये भी मैं पीस के डालूंगी 1 टीस्पून डालूंगी। और ये कलौंजी है 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले मैं पीस लूंगी और पीस के इसमें डालूंगी, पाई में डालूंगी। तो बस ये है सारी इनकी चीजें, और मैं अब बताती हूँ आगे क्या करना है। देखे नाज़रीन, ये मैंने वॉश करके दोबारा इसको मैंने चढ़ा दिया है, धो के अच्छे से, अच्छा सा धो के इसको, उस जो मैंने पहले दिखाया था उसका पानी मैंने सारा फेंक दिया था, अच्छा सा वॉश किया था। और फिर मैंने पानी दोबारा डाला इसमें, इसमें डालूंगी अदरक लहसुन, हल्दी डालूंगी, और एक प्याज डाल दूंगी साबुत। ये डाल के और इसमें मैं नमक डाल दूंगी और इसे अच्छा सा पका लूंगी। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसको मैं धीमी आंच पे करके जब तक पकाऊंगी जब तक पाई गल ना जाए। और ये मैंने आपको साबुत मसाले दिखाए थे, इसमें मैंने ये आपको नहीं दिखाया सूखी अदरक, तो ये भी इसके साथ पिसेगी। और जायफल मैं आधा लूंगी, इन सब मसालों को पीस के मैं इसमें डालूंगी।
मैं इसे खोल के देखती हूँ। देखिए मसाला सब भून गया है और ये देखें मसाला भून गया और ऑयल ऊपर आ गया इसका। इसमें मैंने नमक डाला था हसब ज़रूरत और मिर्चें मैंने और डाली थी और कश्मीरी मिर्च होती है कश्मीरी मिर्च पाउडर वो मैंने डाला था 2 टेबल स्पून। और ये भून गया, मैं इसको साइड में कर दूंगी। देखिए जी मैंने जो मसाला बनाया था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है पाए में। और पाए में मैंने गोश्त बॉईल करके कुकर में मैंने गोश्त भी डाल दिया था। अब मैं इसे खूब अच्छा से पकाऊंगी 1 घंटे तक। देखिए जी ये पाए रेडी हो रहे हैं और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मसाला जो मैंने पीसा था, जो मैंने आपको बताया था, डाल के मैं मिक्स कर दूंगी। और इसको बंद करके मैं 1/2 घंटे और पकाऊंगी। ये देखिए मैंने इसमें 1 मिर्ची काट के डाल दिए और थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी ऊपर से। बस ये हमारा रेडी है। ये देखो ये हमारा रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी मैंने इसे निकाल लिया है, देखें इसका कलर चेक करें। ये देखें ये रेडी है पाए और इंशाल्लाह आपके भी बहुत मज़े के बनेंगे, इसी तरह बनाइएगा। इसके साथ मैंने धनिया अदरक मिर्चे और लींबू रखा है तो थोड़ा सा डाल लें इसके ऊपर। थोड़ी सी मिर्ची डाल लें तो ये आपका रेडी है और आप भी बनाइएगा बताइएगा कैसा लगा। और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।